क्या भगवान मानसिक भोग स्वीकार करते हैं? बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर से बाहर होते हैं, दूर होते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और घर से बाहर होने के कारण भोग नहीं लगा पाते हैं। तो क्या हम मानसिक भोग लगाएं तो भगवान स्वीकार करेंगे? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत साल पहले की बात, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हुए श्री कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। जब 4-5 साल के थे तब से ही भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से, सच्चे थे, निस्वार्थ थे। उनके पिता वहां के प्रमुख थे। एक बार हुआ यूं, 10-12 साल के थे उस समय, कुछ बंजारे आए, बंजारों ने अपना सामान बेचा, खूब धन जुटाया, काफी धन जुटाया। तो रात्रि में इनके पिता ने, जो कि प्रमुख थे वहां के, उस धन को अपने लोगों से लुटवा लिया। अब इनके पिता के लोगों ने ये धन लूट लिया, ये बात जो है श्री कृष्णदास जी को अच्छी नहीं लगी। अगले दिन बंजारों के पास गए और जाकर के बंजारों से कहा कि मेरे पिता ने आपका धन लुटवाया है, इसलिए न्यायालय चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बंजारों के पक्ष में गवाही थी अपने पिता के खिलाफ। बात थी सच का पक्ष लेने की। इन्होंने सच का पक्ष लिया, सत्य का पक्ष लिया, और इसी बात पर इनको घर से निकाल दिया गया। वहां घर से निकल गए, उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात हुई श्री वल्लभाचार्य जी से, जिनके शिष्य हुए। श्री वल्लभाचार्य जी इनको ब्रिज ले आए, श्री गिरिराज जी की तलहटी में रहते थे, और वहां इनको कार्यभार सौंपा गया श्रीनाथ जी की सेवा का। श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, अत्यंत प्रेम करते थे, अपने पद लिखते थे, कविताएं लिखते थे, अपनी कविता से, अपनी लेखनी से ठाकुर जी को रिझाते थे, बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से। इनके मन में हमेशा ये होता था कि जो मेरे मन में भाव आता है वही भाव मेरे ठाकुर का है, वही भाव मेरे कृष्ण का है। जुगल जोड़ी सरकार की सेवा में थे तो हमेशा जो भी मन का भाव होता था उसी भाव को ठाकुर जी का भाव समझ के पूरा करते। अब एक समय आया, गर्मी के दिन थे, उस समय उस मौसम का फल था खरबूजा। आज बाजार में गए थे अपने ठाकुर जी के लिए कुछ लेने के लिए, देखा खरबूजा आ गया है, इस मौसम का फल है खरबूजा, और आज पहली बार बाजार में आया है तो ठाकुर जी को इसका भोग लगना चाहिए। खरबूजे वाले के पास गए, जाकर के बोले खरबूजा दे दो। इतने में राजा के सैनिक आ गए, सैनिकों ने कहा कि इस मौसम में पहली बार आया खरबूजा, तो पहली बार आया तो इस पर अधिकार राजा जी का, तो हमें दे दो। तो अब कृष्णदास जी ने देखा कि ये राजा के सैनिक हैं, इनसे झगड़ा भी नहीं कर सकते, लेकिन राजाओं का राजा जो है, सारी सरकारों की जो सरकार है, वो मेरा ठाकुर है, मेरे ठाकुर से बड़ा तो अनंत ब्रह्मांड में कोई भी, तो इस फल को भोग लगाने का अधिकार तो मेरे ठाकुर का है, मेरे कन्हैया का है। तो बोले कि मुझे ये फल दे दो, पैसे भले ही ज्यादा ले लो। तो खरबूजे वाले ने सोचा कि मैं इनको कैसे फल दे दूं कृष्णदास जी को, सैनिकों को फल नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो खरबूजे वाले ने कहा कि ये तो सरकारी लोग हैं, इनको फल देना पड़ेगा। तो कृष्णदास जी ने कहा कि तुम 1 रुपए का दे रहे हो, मैं 2 रुपए दे दूंगा, मुझे दे दो। ये बात सुनकर सैनिकों ने कहा कि हम 3 रुपए दे देंगे। कृष्णदास जी बोले कि हम 4 रुपए दे देंगे, लेकिन फल तो मैं लेके जाऊंगा। अब कृष्णदास जी को भी पता है कि जेब में इतने पैसे नहीं है, उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो उनकी जेब में सिर्फ 2 रुपए थे, बोली लगा रहे थे 3 रुपए की। इधर सैनिकों ने 4 रुपए कहा, इन्होंने 5 कह दिया, उन्होंने 10 कहा, इन्होंने 15 कह दिया, उन्होंने 20 कहा, इन्होंने 25 कह दिया, और ये बोली लगती गई। बोली लगते लगते 100 रुपए तक पहुंच गए।
कृष्णदास जी ने बोला कि मैं 100 रुपए दे दूंगा, जेब में पैसे नहीं है लेकिन बोल दिया कि 100 रुपए दे दूंगा, लेकिन ये फल जो है मैं लेके जाऊंगा, मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे। अब इधर सैनिकों ने आपस में चर्चा की, सैनिकों ने सोचा कि इतना महंगा खरबूजा लेकर जाएंगे तो राजा सोचेगा कि ये अपने भले की सोच रहे हैं, इन्होंने कुछ धोखा किया, इतना महंगा थोड़ी आ सकता है खरबूजा, तो इससे बेहतर है कि हम ना लेके जाएं। तो सैनिकों ने कहा कि ठीक है इनको दे दीजिए। अब कृष्णदास जी को फल वाले ने कहा कि लाइए 100 रुपए, क्योंकि वो तो बहुत देर से सोच रहा था कुछ भी हो, जब 10 हुआ 20 हुआ 30 हुआ 40 हुआ तो उसके मन का लालच बढ़ रहा था कि लगातार बोली बढ़ती जा रही है, बस ये खरीद लें, बस ये खरीद लें, कुछ भी करके ये खरीद लें, यदि 100 रुपए का खरबूजा बिकता है तो मेरी तो कई महीने की आमदनी हो। तो कृष्णदास को बोले कि लाइए 100 रुपए, ले जाइए खरबूजा। कृष्णदास जी ने कहा कि अपने पास ही संभाल के रखिए, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूं पैसे लेकर। अब पैसे कहां से लाते? कृष्णदास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते थे। आज मन में भाव आया था कि ठाकुर जी का मन है, उन्हें खरबूजे का भोग लगाना है, खरबूजा खाना है, तो खरबूजे का भोग लगाऊंगा। वापिस लौटे, अपने कमरे में पहुंचे, वहां से कुछ सामान इकट्ठा किया और उसे बेच दिया और 100 रुपए इकट्ठे किए और पहुंचे उस फल वाले के पास, जाकर के कहा कि लाइए दीजिए। बड़े चाव से, बड़े मन से, बड़े भाव से वो खरबूजा लेकर के आए। बड़े खुश थे कि आज ठाकुर जी को खरबूजे का भोग लगाएंगे, बड़ा भाव था, बड़ा चाव था। रसोइये के पास गए और जाकर के खरबूजा रसोइये को दे दिया और कहा कि आज जब फल का भोग लगेगा ठाकुर जी को तो खरबूजे का भोग लगाना, ये रख लीजिए। रसोइये ने खरबूजा जो है रसोई में रख दिया। अब जब फल का भोग लगेगा तो ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा, फलों में खरबूजा भी होगा। इस भाव में बड़े खुश थे कृष्णदास जी। लेकिन जब भोग लगाने का समय आया तो रसोईया कृष्णदास जी के पास आया और आकर के कहा कि खरबूजा मैंने रसोई में रखा था लेकिन पता नहीं कहां चला गया, मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं किसने उठाया। कृष्णदास जी भी रसोई में गए, ढूंढा लेकिन खरबूजा नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए, व्यथित हो गए। मन में रह रह करके ये हो रहा था, मेरे ठाकुर जी का आज भाव ये था कि उनको खरबूजा खाना है और खरबूजा गायब हो गया। खरबूजा कहां जा सकता है, कौन ले गया खरबूजा? उनको इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि किस प्रकार से वो झगड़ा करके, किस प्रकार से दाम बढ़ा करके, बोली लगा करके वो खरबूजा लाए थे, कितनी मेहनत की थी, कितना सामान बेच दिया था। उनके मन में दुख था तो इस बात का था कि मेरे ठाकुर जो है आज खरबूजे का भोग नहीं लगा पाए। बड़ा व्यथित मन था। उस दुखी मन से कहा कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, फलों का भोग तो लगाना है ठाकुर जी को, फल लेके आओ, ठाकुर जी को भोग लगाते। इस दुखी मन से जाकर के मंदिर के पट खोले और जैसे ही पट खोले तो देखते हैं कि ठाकुर जी के हाथ में खरबूजा है। ठाकुर जी तो पहले ही खरबूजे का भोग लगा रहे थे। कृष्णदास जी की आंखों में अश्रु आ गए, शरीर कांपने लगा, भाव से परिपूर्ण हो गए, देख रहे थे कान्हा को, देख रहे थे ठाकुर जी को कैसे हाथ में खरबूजा पकड़े हुए। ये है सच्ची भक्ति। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, उनका विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि वो कई बार जब ठाकुर जी के पास नहीं होते तो मानसिक भोग लगाते थे, और जब मानसिक भोग लगाते थे तो उनका भोग जो है वो ठाकुर जी ग्रहण करते थे। एक बार ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी कार्यवश उनको दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने देखा कि एक हलवाई जो है कढ़ाई में गर्म गर्म जलेबियां उतार रहा है। मन में भाव आया कि ये जो गर्म गर्म जलेबियां हैं ये मेरे ठाकुर जी ग्रहण करेंगे तो कितनी स्वादिष्ट लगेंगी उनको। तो वहीं हलवाई की दुकान के सामने रुक गए, आंखें बंद की, ध्यान लगाया और वहीं से मानसिक भोग लगा दिया ठाकुर जी को गर्म गर्म जलेबियों का। बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़े चाव से
और इधर जब मंदिर का पट खुलता है तो जो भोग की थाली है उसमें गरम गरम जलेबियां रखी हुई, इतने भाव से भोग लगता था। उनके मन में अगाढ़ प्रेम था, विश्वास था। जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त होते हैं ना, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके मन में भी ये भाव जागृत होते हैं कि आज मेरे कन्हैया ये खाना चाहते हैं, आज मेरे कन्हैया ऐसे बैठना चाहते हैं, आज मेरे कन्हैया यहां चलना चाहते हैं। क्योंकि भक्त और भगवान का जो दिल है, जो भाव है, जो मन है, वो एक साथ जुड़ा होता है, तो इसलिए ऐसा भाव आता है। और जब भाव आता है तो वो सच्चा भाव होता है। कृष्णदास जी इतने सरल थे, इतने सहज थे, इतने प्रेमी थे। एक बार आगरा गए थे, एक वेश्या जो है वो गा रही थी, आवाज सुनी, बड़ी मधुर आवाज लगी, दूर से आवाज सुनी। उस आवाज को सुनते सुनते उस तक पहुंचे और कहा कि तुम्हारी आवाज में कितना माधुर्य है, कितना प्रेम है, तुम यहां से चलो और मेरे ठाकुर जी के ले गाओ, मेरे कन्हैया के ले गाओ, वो तुम्हें सुनेंगे। वो वेश्या थी, ये तो उसका कार्य था कि कोई भी उसे धन दे उसके साथ जाएगी, वो उसके लिए गाएगी। वो तो उस वेश्या ने कहा कि ठीक है मैं चलती, वो चली गई। कृष्णदास जी के साथ आई, कृष्णदास जी उसे ठाकुर जी के मंदिर में ले गए और उसे कहा ये मेरे अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, मेरे कन्हैया हैं, इनके लिए कुछ गाओ, इनको रिझाओ। कहा जाता है कि उस वेश्या ने इतने मन से गाया, इतने भाव से गाया, क्योंकि जैसे ही उसने ठाकुर जी को देखा मन भाव विभोर हो गया। पल भर भी नहीं लगा उसे ठाकुर जी से जुड़ने में, ठाकुर जी के साथ ऐसी जुड़ी कि बह गई उस भाव में। कंठ से जब आवाज निकली ठाकुर जी के लिए गाया तो ऐसा गाया, सब मंत्र मुग्ध हो गए। और वो ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई कि गाते गाते नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते ठाकुर जी के बैकुंठ धाम चले गए, शरीर वहीं छूट गया। उसकी गति ऐसे होनी थी। ठाकुर जी हम सबको स्वीकार करते हैं, उनके लिए कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, क्योंकि वो जगन्नाथ हैं, पूरे जगत के नाथ हैं। उनको हर जीव स्वीकार है, वो हर जीव से प्रेम करते हैं। जब भी आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, जब भी आपके मन में यह भाव आता है कि मैं दूसरों को जाकर के क्या बताऊं, लोग मेरे अंदर खामियां ढूंढेंगे, लोग मेरी गलतियों पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, उस समय आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में कभी भी ऐसा समय आता है जब आप हार जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते, किसी भी तरह का दबाव महसूस करते, उस समय कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा ठाकुर जी के सामने बैठो। आपके घर में मंदिर हो ना हो, आपके आसपास मंदिर हो ना हो, आप जहां हो वहीं बैठो, ठाकुर जी का ध्यान करो, अपने प्रभु से बातें करो, ईश्वर से बातें करो, उनको अपनी सारी व्यथा सुनाओ, उनसे कहो कि प्रभु मैं इस व्यथा में हूं और ये मैं किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता, आपके साथ साझा कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरी हर बात सुनेंगे, आप मुझे निवारण देंगे। और आप बड़े दिल से अपनी बात ठाकुर जी के सामने रखो और फिर देखो, जैसे ही आप ठाकुर जी के सामने अपने मन की बात रखेंगे, आप देखना निवारण आपके पास होगा, आपको अत्यंत सुकून की अनुभूति होगी, आपको बड़ी खुशी होगी, मन प्रसन्न होगा। और जो लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि मैं ठाकुर जी को कैसे भोग लगाऊं, घर से दूर हूं, और कई बार ऐसा होता है कि मन में बड़ा भाव होता है ठाकुर जी से बात करने का, उनको भोग लगाने का, तो आप कृष्णदास जी की तरह वहीं रुकिए, बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़े चाव से ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, उनको भोग लगाइए, ठाकुर जी अवश्य वो भोग ग्रहण करेंगे, आपकी हर बात सुनते हैं ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी आपसे बेहद प्रेम करते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप ये अनुभूति प्राप्त करें, आपको यह अनुभव हो
कि ठाकुर जी आपकी बात सुनते हैं तो थोड़े से सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को प्रगाढ़ कर लीजिए। फिर देखिए, हर पल चमत्कार से परिपूर्ण होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।